तेज बारिश के साथ डिगरे शहर की नागरी सुविधाओं की पोल अपने आप खुल रही है। एक तरफ पालिका के हृदय में आने वाले अधिकतर इलाकों में रास्ते, सीवेज लाइन, इलेक्ट्रिक पोल जैसी बुनियादी सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी है, तो दूसरी तरफ कई इलाकों में तो इन सुविधाओं का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है, जिस वजह से नागरिकों में रोष उमड़ पड़ा है। पेश है दिगरस से संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। बारिश कुदरत का वरदान है, ये जब बरसती है तो जीवन खिल उठता है, लेकिन यही बारिश जब दिगरस शहर पर गिरती है तो पालिका प्रशासन की पोल खोल के रख देती है। हाल ही में हुई बारिश से शहर के कई इलाकों का हाल बद से बदतर हो चुका है, जिसके बाद लोगों में पालिका प्रशासन की कार्य प्रणाली को लेकर गुस्सा फूटने लगा है। आमच्या या कॉलनीमधले नागरिक संपूर्ण त्रस्त झालेले आहे। आम्ही प्रशासनाला या ठिकाणी सांगू इच्छितो, नगरपालिकेला सुद्धा या ठिकाणी सांगू इच्छितो, शिवसाहेबांना सुद्धा आम्ही सांगू इच्छितो की लवकरात लवकर या ठिकाणी आम्हाला आमची पर्यायी व्यवस्था या ठिकाणी करून द्यावी। एक तर या ठिकाणी मुरुम टाकण्यात यावा, नाही तर मग या ठिकाणी बारीक जी गिट्टी राहते, बारीक चुरी राहते, ती चुरीसुद्धा या ठिकाणी त्यांनी कृपया करून या ठिकाणी आम्हाला व्यवस्था करून द्यावी। आम दिनों में जिन इलाकों को पौश और महंगे इलाकों में गिना जाता है, वहां का नजारा बारिश के मौसम में किसी झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके से ज्यादा जुदा नजर नहीं आता। मसलन आदिनाथ नगरी या साई लीला नगरी में रहने वालों ने बड़े अरमानों से महंगे दामों पर प्लॉट खरीद कर अपने मकान यहां खड़े किए, लेकिन बीते 10 सालों से उनकी परिसर की रास्तों के निर्माण से जुड़ी समस्याओं को न तो लेआउट विक्रेताओं ने हल किया, न स्थानीय जनप्रतिनिधि इसको लेकर कभी गंभीरता दिखाते हैं और न ही पालिका प्रशासन को इसकी फिक्र नजर आती है। पाइपलाइन वास्तविक पाहता है उन्हाळ्यामध्ये किंवा मार्च जानेवारी मध्ये करायला हवी होती, परंतु कंत्राटदारांनी पावसाळ्याच्या वेळेमध्ये ती योजना करत आहेत आणि करत असताना त्यांनी पूर्ण रस्ते अक्षरशः खराब करून टाकले, फोडून टाकले आहेत। सर्व साईला नगरी हे पूर्ण चिखलमय झालेली आहे, त्यामुळे आमच्या सर्व बांधवांना, शेजाऱ्यांना, सर्व कॉलनीवाल्यांना त्या रस्त्याची खूप मोठी हानी पोहोचत आहे, खूप मोठा चिखल झालेला आहे, त्यामुळे बरेचसे लोक त्या रस्त्यामध्ये पडलेले आहेत, मुलं पडले आहेत, मुली शाळेच्या त्यामध्ये रस्त्यात पडलेल्या आहेत आणि आम्हाला अक्षरशः रस्त्याच्या आपल्या घराच्या बाहेरसुद्धा निघणे अवघड जात आहे। त्यामुळे नगरपालिकेला हे सर्व हँडओव्हर करत असताना हे पूर्ण करून घ्यायला पाहिजे होतं, परंतु त्यांनी केलेलं नाही, त्यामुळे आमचं खूप मोठं नुकसान होत आहे आणि याला कंत्राटदार आणि शिवसाहेबांनी याच्यावर दखल घेतली पाहिजेत आणि आम्हाला न्याय मिळून दिला पाहिजेत। हे लेआउट दिनेश लड्डा आणि मोदनी साहेबांचं आहे, त्यांनी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या काही केल्या होत्या, पण आम्ही रिसेलमध्ये घेतले ते प्लॉट दुसऱ्याकडून, त्यामुळं आम्हाला त्यावेळेस तेवढं काही हे माहिती नाही। आता नगरपालिकेने ते कोणत्या स्वरूपात करून घ्यायला पाहिजे ते नगर परिषदेचा प्रश्न, त्यांनी लेआउटवाल्याकडून करून घ्यायला पाहिजे किंवा मग स्वतः त्यांनी याच्यात आम्हाला या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे। पिछड़े इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोगों का जीवन तो बुनियादी सुविधाओं की आस में ही निकल जाता है, क्योंकि नगर विकास मंत्रालय सहित अन्य सरकारी खातों से निकले विकास कामों को गति देने वाली पालिका रूपी सरकारी यंत्रणा के पास विकास के खरगोश को कछुए में तब्दील करने का रहस्यमयी हुनर है, जिसे कामचोरी, लापरवाही और भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। और इसी हुनर का परिणाम है कि बारिश के मौसम में दिगरस शहर के खास और आम इलाके अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहे हैं, और इस बदहाली का हल जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति में, पालिका की जिम्मेदारी में और स्थानीय लोगों की जागरूकता में छिपा है। देखना रोचक होगा कि बारिश की बौछारों के साथ इच्छा शक्ति, जिम्मेदारी और जागरूकता जाग उठती है या फिर हमेशा की तरह अनदेखी और लापरवाही के दलदल में कीचड़ बनकर रह जाती है। NBCN न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट।